आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और समाज का सर्वाधिक संवेदनशील पर्व है। अन्य पर्व प्रायः धर्म संप्रदाय से आबद्ध होते हैं, परंतु रक्षाबंधन सांस्कृतिक दर्शन का स्रोत है। इसे सभी लोगों में एक दूसरे की प्रति रक्षा के विश्वास अर्थात एकता के प्रदर्शन का महापर्व कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एकता का सर्वव्यापी रक्षा सूत्र है। रक्षाबंधन असंभव को संभव बना सकता है। एक शत्रु भी रक्षा सूत्र में बन जाए तो मित्र बन जाता है। ये पर्व सद्भावना एवं मित्रता का संदेश देता है। कभी ये देवताओं और राक्षसों के मध्य शांति का झंडा बन गया था। अनेक समस्याएं चाहे वो कितनी ही कठिन से कठिन हो, रक्षा सूत्र में जब बन जाती है तो समस्या बदल जाती है। अर्थात रक्षाबंधन के विकट से विकट समस्याओं का हल हो सकता है। राखी का आध्यात्मिक महत्व भी है। ये संबंधों का आत्मिक आयाम है। ये मात्र धागे का बंधन नहीं है, बल्कि ये अनुभूति की गांठ है, भावनाओं की अमर गाथा है। द्वापर युग में कृष्ण की बहन सुभद्रा ने रक्षाबंधन की परंपरा को आरंभ किया था। इससे पहले त्रेता युग में मुनि लोग, संत महात्मा और ब्राह्मण समाज ने राम को रक्षा सूत्र भेंट कर रक्षा का सांकेतिक विश्वास मांगा था। सतयुग में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र का महत्व रहा है, क्योंकि देवताओं और राक्षसों के युद्ध में अनेक बार रक्षा सूत्र के प्रयोग अपनाए गए थे। ये सदियों से श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसकी बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं। कालांतर में राजा महाराजा इस दिन को विशेष रूप से रक्षा सूत्र का प्रयोग करते थे। इस रक्षाबंधन के पर्व में मैं यही कहूंगी कि महिलाएं सम्मान चाहती हैं, महिलाएं सम्मान चाहती हैं। अभी जो घटना हुई महिला डॉक्टर के साथ वो दर्दनीय है, और भारतवासी सभी आदमियों को ये संदेश देती है कि अगर सम्मान ना करो तो इस रक्षाबंधन की भी कोई जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन के लिए आपको मन से दूसरे की प्रति श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है।